लेकिन बात वो है, अभ्यास निरंतर होना चाहिए, तब आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना आप सोच लो कि सिर्फ ये वीडियो देख लिया आ गया, या ये अलंकार एक आध दिन हो गए तो हो गया, गले में वो बात आ जाए, नहीं नहीं आएगी। इन अलंकारों की तासीर नहीं है, तासीर रियाज की है, इस चीज को समझो, है ना। इन अलंकारों में तो वो बात है ही है, ये सोने पे सुहागा करेगी, लेकिन सोना तो बनो, और वो सोना बनने के लिए सोना छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर दोपहर में सो जाओ, सवेरे ना उठो, नहीं किया तो नहीं होगा, सोना बनने के लिए सोना छोड़ना पड़ता है, है ना। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं मास्टर निषाद, और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी जो एक छोटी सी मैंने आलापचारी हंस ध्वनि में करी, तो एक इब्तिदा है इस वीडियो की, शुरुआत है जो हम हमेशा करते हैं कुछ क्लासिकल के स्वरों से, शास्त्रीय संगीत का एक छोटा एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक बार रम जाएं कि हाँ, जो मैं चीज़ें सिखाऊंगा, जो चीज़ें मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा तो क्या बताऊंगा, वो शास्त्रीय संगीत से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगी। और हमारा मकसद जो है वो इसी संगीत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारा शास्त्र है, ये हमारा संगीत है, ये हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। तो आइए एक बार जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दूँ, कि कुछ जैसा टॉपिक टाइटल और थंबनेल से आपने समझ ही लिया होगा थोड़ा बहुत, कि आकार की ताने गले में कैसे डेवलप करनी होती हैं, और बल पेच जो है वो दम जो है आकार में कैसे आता है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, या यूं कहूँ कुछ अलंकार हैं, कुछ पलटे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, या कुछ तरीके हैं जो मैं बताऊँगा कि कैसे आप उनका रियाज करो तो गले में एक बल, एक दम जो है, एक आकार में गमक जो है वो पैदा होती है, और एक क्या बोलते हैं, पंच आता है आकार में, एक नहीं कि एक दो वाला खाली पंसा आता है, एक बड़ा हल्का पंसा रहता है, वो कैसे जाएगा, और एक दम है वो कैसे आएगा, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। मगर उस बारे में बात करने से पहले आइए हम बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर के, जो एप्लीकेशन है जो है रियाज ऐप। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसके द्वारा आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक, बॉलीवुड, हर प्रकार का संगीत घर बैठे सीख सकते हैं। वीडियोस इसमें आते रहते हैं, उनके थ्रू आप इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी लेसन्स अच्छे अच्छे इसमें हैं। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% लेस भी होता है जब आप इसको ख़रीदते हैं, तो उसके जो कूपन कोड्स है और जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर आप देखें और इस ऐप को डाउनलोड करें। तो आइए अब हमारे टॉपिक पर बात करते हैं, कि जो हमारा टॉपिक है वो है कि वो जो अलंकार हैं वो क्या हैं और किस प्रकार की टेक्निक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि गले में आकार की ताने कैसे डेवलप करनी होती हैं, या फिर ये करें कि वो दम कहाँ से आता है, तो करना कुछ नहीं है, वही अलंकार हैं जो आपको दे रखे हैं, उनका ही जो अभ्यास है वो धीरे धीरे अलग अलग लयकारियों में जब आप करते हैं तो वो गमक वो गले में पैदा हो जाती है। आंदोलन करते समय आंदोलित उन स्वरों को लगाएं अगर आप करते हैं, जैसे कि अभी मैं पहला अलंकार गाता हूं, जो हमारे साथ जो प्रारंभिक अलंकार वो कैसे हैं, सा रे ग म प र नि सा, सा नि र प म ग रे सा। अब इसको आप गाते हैं तो बड़े ही हल्के पन से हमने उन्हें गा दिया, तो इससे आकार तो हो गया
लेकिन वो जो दम है, जो गमक है, वो पैदा नहीं होगी। वो कैसे होगी जब आप उन्हें एक हल्का हल्का जो झटका जा रहा है वो दिया जा रहा है, तो जब वो पैदा होगा आंदोलन जो है वो ये जो पेट से जो बल लग रहा है उसका, उस बल में लेकिन स्वर का ध्यान रखते हुए और आवाज की वो मधुरता न जाए। कई बार क्या होता है जब हम वैसी प्रैक्टिस करते हैं तो मधुरता नहीं आती है, लेकिन क्या है जब हम रियाज कर रहे हैं तो हमें थोड़ा वैसी चीज़ें रियाज में करनी होती है, लेकिन जब गायकी आती है तो वो आपके कंट्रोल में है कि जब आप सिंगिंग में कोई ख्याल गा रहे हैं, कोई तान गा रहे हैं, जिस प्रकार की सिंगिंग कर रहे हैं, हाउ टू कंट्रोल योर वॉइस, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ सिंगिंग। कि आप अगर कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं तो ना ये लगाएंगे, ना कि स्वर वही है, पीस वही है, लेकिन जो हरकत है वो कैसे आपने मोल्ड कर ली है, आवाज का जो दम है वो कैसे कंट्रोल किया है, ना कि ये जो देख रहे हैं आप, जो एक गमक है हल्की सी, वो जब हम गाते हैं, जो गायकी के प्रकार जब हम दूसरे ले लेते हैं, ठुमरी गाते हैं, गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तब हम वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन गले में तब भी वो वजन लाने के लिए हमें वो जब अलंकारों का रियाज होगा तो वो एक झटका रहना चाहिए। कैसे है ना, फिर इसको ही जब आप अलग 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 लयों में जाएंगे तो है ना, जो वजन जा रहा है वो जो एक क्या बोलते हैं इसको हम बल पेंच कहते हैं, जो बल है, जो एक झपट है, झपटना, अगर हम किसी से झपटते हैं तो हम आपके हाथ में कोई चीज़ मैं ले रहा हूँ, एक हम छीनेंगे तो एक झपट होती है उसमें, जो एक आप देख रहे हैं झपट शब्द में ही एक झपट है कि वो झ है झंडे वाला, ना कि ज जहाज वाला, झ शब्द में ही इतनी झपट है। आप अगर शब्द में जाएंगे तो उसका नेचर समझ आएगा कि जो झपट है तो वो एक बल से आपको फेंकना होता है स्वर, लेकिन मद्देनजर रखें कि स्वर भी जो है वो वैसा लगे। समझ रहे हैं, एक जो फोर्स से गए हैं तो फोर्स से ही वापस आते हैं, वो जो एक धक्का है वही आपको आगे बढ़ाता है। इसमें मैंने मदद के लिए बोला है कि हाकार का यूज किया करो, हर बार हाँ नहीं बोलना है, पर एक जो शुरुआत है वो हल्का सा ह लगा लेते हैं, लेकिन वो रियाज में है ताकि गायकी में जब वो आएगी तब ह नहीं आ ही बोलोगे तब भी वही पंचाएगा। एक वो चीज है, हमारे जितने जो प्रारंभिक सात अलंकार हैं वो सातों जो हैं वो बल के ही अलंकार हैं, है ना, क्योंकि वो जंप है। जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे जंप करते हैं तब एक तो स्वर का पक्कापन भी चाहिए और एक वो बल भी चाहिए। जैसा आराम से भी गा सकते हो, बाकी क्या हो रहा है, ये सारे ग रे, तीन तीन का जो खंड दिखा रहे हो आप और उसमें रे पे झटके से वापस आ रहे हो, अगर ये बल जो है ये लगाओगे तो हर प्रकार के अलंकार में वो चीज़ ला सकते हो। फिर भी मैं कुछ स्पेशल अलंकार आपको बता देता हूँ जिनका रियाज करने से भी और चीज़ें अच्छी होती हैं। तो पैटर्न है, नोट कीजिए, सारे रे सा, है ना, ये पैटर्न है सारे रे सा। फिर ऐसे ही इसी कड़ी में आगे बढ़ते जाइए, जहाँ तक रेंज है वहाँ तक भी गा सकते हो और एक अलंकार भी षड्ज तक बना सकते हो। जैसे सारे रे सा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सा रे रे सा। ये भी कर सकते हो यहाँ तक आके या ऊंचा भी जा सकते हो जितनी आपकी रेंज है। फिर उल्टा आएंगे सा नि नि सा नि ध ध नि ध प प ध प म म प म ग ग म
गरे रे गरे सा सारे सानी नी सा, ये कैसे जाएगा? सारे रे सारे गा गरे गा मा मा पा। जब अलंकार भी गाओ तो भी एक गमक आनी चाहिए, लेकिन तब आएगी जब प्रॉपर स्वर लगेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो आभूषण है संगीत के, ये तब लगाए जाते हैं जब एक बार वो स्वर जो है वो स्टेबल लगने लगे, है ना। जब अलंकार आपके जो एक एक स्वर का नोट है वो जब बराबर बराबर लगने लगेगा तभी तो उसे खूबसूरती से लगा पाओगे, है ना। अगर पधानी सा ये प्रॉपर नहीं लगता है तो पधानी सा ये प्रॉपर कैसे लगेगा, है ना। पैदा, अब इसमें जो निषाद था हल्का सा था, पैदा दा, तो वो हल्का सा छुएंगे लेकिन तब भी वो प्रॉपर छू रहा है, तो वो कब होगा? जब निषाद पूरा स्टेबल होगा तब तो वो प्रॉपर लग पाएगा। और धैवत में भी जब वापस आए हो तो वो जो मीड़ है दा, वो कब पॉसिबल है? जब वो प्रॉपर स्टेबल लगेंगे। हम क्या करते हैं, हम आभूषणों के पीछे भागते हैं, है ना। कहते हैं ना कि सादगी में जो खूबसूरती होती है वो आभूषण पहनने के बाद, अगर सादगी खूबसूरत है तभी वो निखरेगा, वरना अगर सादगी में ही वो बदसूरती है, यानी उतनी वो बात नहीं है, ना आपके रंग में वो बात है, ना आपके शरीर में वो बात है, फिर आप आभूषण पहनो कि कितने अच्छे कपड़े पहन लो, वो बात ही नहीं आएगी। तो वही चीज़ है, जब स्वर है वो जब स्टेबली नहीं सजेंगे तो आप कितना ही उन्हें सजा लेना फिर वो सजेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर तो लग ही नहीं रहे ना, तो उनको फिर लगाओगे वो बेसुरे लगेंगे। और जब बेसुरा को सजाने की कोशिश की जाती है तो बड़ा भयानक लगता है ना। और उसी भयानक को हम कंसुरा बेसुरा कहते हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जो कानों को अच्छा नहीं लगे, है ना। तो वो चीज़ है। तो हम उस टॉपिक पे वापस आते हैं, जो सारे रे सारे गा गा रे गाए। अब उसमें ही जब गायकी आकार में होगी और गमक आएगी तो देख रहे हैं पंच जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। उसको पहले धीरे 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 सुरों में किया, फिर हल्की हल्की गमक भी देते गए, हिलाते गए उसे साथ में, लेकिन हिलाने के लिए पहले स्थिर करना जरूरी है, ठीक है। फिर हमारे जो मैंने आपको कुछ पेजेस के अलंकार बताए हैं जो स्वरांगिनी अनुसार, जो सा ग रे सा रे म ग रे ग प म ग म ध प म, ये है, इसको उल्टा गाइए। शुरू कीजिए सा ध नि सा से, लेकिन सा ध नि सा रे नि सा रे ग सा रे ग, समझ रहे हैं इसमें कैसे वो पंच आएगा। है ना, वैसे तो ये अलंकार अपने आप में ही सीधा गाओगे तब भी वही अलंकार है। पर इनको उल्टा भी गा सकते हो। है ना, जो हमारा है ना सा रे सा ग रे ग रे मा, उसको सा नी सा ध रे सा रे नी ग रे ग सा मा ग मा रे पा मा पा ग, उल्टा गाओ। इसमें क्या हो रहा है, आप कूद रहे हो। धारे, समझ रहे हो, ये जो जंप है यही मदद करता है वो बल, वो झपट, वो दम पैदा करने में, वो गमक पैदा करने में। आया, है ना। फिर एक जो एक अलंकार है सारे घरे सारे घरे सारे गामा घरे रे गामा घरे गामा घर, जो स्वरांगिनी का आठवें पेज का अलंकार है, इसको जब आप आकार में करते हो, तरीका ऐसे भी हो रहा है, पर ये क्या हो रहा है, ये गले का दम है, ये वजन नहीं है। कईयों के आप ताने सुनोगे जो गले से इतनी तेज आती हैं लेकिन दम नहीं होता उनमें, वो खोखली ताने होती हैं, है ना, जो बहुत स्पीड में तो आ जाती हैं, ये स्पीड में जाएगा उनका गला ऐसा मशीन जैसा चल जाता है, लेकिन दम नहीं आता है। जो पंच अगर आप कोशिश करेंगे लाने की तो मेरे ख्याल से इसका रियाज करोगे तो आ जाएगा। आ, 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 आ,
भी बहुत होती है ना, और सांस भी बहुत जाती है, लेकिन जो है गला मजबूत होता रहता है ना। अब जैसे वो चौथा है, अब पंच जा रहे हो, सारे अलंकार ये स्वरंगिनी में लिखे हुए हैं, है ना। तो उस किताब को अगर आप मंगा लो, उस किताब के जो अलंकार हैं उसको गा लो तो हो जाता है। अब इसको भी उल्टा करो, सा नी सा धा धा रे सा रे नी नी गा रे गा सा सा, उल्टे में गाओ इसको, है ना। क्या होगा, ये जंप पैदा करेगा, तो वही अलंकार है। तभी वो चीज आ पाएगी, है ना, जो दूसरे पेज का जो पहला अलंकार है। बात वही है, देखो अलंकार सारे, मैं आपको कितने भी खास बता दूं, अगर वो गायकी का तरीका जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया कि गमक कैसे लानी है, ऐसे नहीं गाना है, थोड़ा लाना है, तब वो दम आएगा, अपने आप ही आएगा, है ना। थोड़ा स्ट्रेट बैठ के यहां से वजन लगा के तब आएगा, सा ग ग रे, है ना। जैसे बताया अभी, सारे रे सारे ग ग रे, वैसे सा ग ग रे रे मा मा ग, सा ग ग रे रे मा मा ग। जाहिर सी चीज है, हमेशा कहा है मैंने, संगीत में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो तजर्बे से आती हैं। जब रियाज करने लगोगे, धीरे धीरे करने लगोगे, ये संगीत ऐसा दिव्य विषय है, ज्ञान चल के आता है आपके पास। ज्ञान चल के आना मतलब चीज़ें निर्माण होती हैं, उपज होता है। तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे अलंकार खुद बनाने लगोगे, खुद जहन में आने लगेंगे, और अभ्यास करते करते फिर तो पता चलने लगेगा, ये ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। पर वो रिस्पेक्ट इस सब्जेक्ट को, वो रियाज, वो वक्त, वो अहमियत दो तो आएगा। है ना, अलंकार उलट पुलट के गाओ, तीसरा पहला मिला लिया, समझ रहे हो, पहला पांचवा मिला लिया, ऐसे करके आपके ऊपर है ये, सा ग रे मा गा पा मा धा पा नी धा सा सा ने धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकार में, अलंकार में भी, स्वरों में भी, सा रे रे गा गा मा मा बा बा धा धा ने सा, सा रे रे गा गा मा गा रे रे सा सा ने धा धा बा बा मा मा गा गा रे रे सा। लेकिन बात वो है, अभ्यास निरंतर होना चाहिए, तब आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना आप सोच लो कि सिर्फ ये वीडियो देख लिया आ गया, या ये अलंकार एक आध दिन हो गए तो हो गया, गले में वो बात आ जाए, नहीं नहीं आएगी। इन अलंकारों की तासीर नहीं है, तासीर रियाज की है, इस चीज को समझो, है ना। इन अलंकारों में तो वो बात है ही है, ये सोने पे सुहागा करेगी, लेकिन सोना तो बनो, और वो सोना बनने के लिए सोना छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर दोपहर में सो जाओ, सवेरे ना उठो, नहीं किया तो नहीं होगा, सोना बनने के लिए सोना छोड़ना पड़ता है, है ना। तो खैर, इस बात पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को, है ना। रियाज ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा आप, है ना, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इन तानों का, इस तरीके के, मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताता रहूं, मदद करता रहूं कि जो मैंने सीखा आपको बता सकूं। सिखाना तो खैर लोग फिर कुछ गलत समझ जाते हैं, इसलिए मैं बताता हूं, समझाता हूं कि ये चीज़ें करो, जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं आप भी करो, है ना। तो देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रवाह वर्ल्ड के वीडियोज़ को, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।